सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों कलकत्ता के अंदर एक लेडी डॉक्टर से जो एक बड़ी शर्मनाक घटना घटी है, सबसे पहले सर आप उस पर क्या कहेंगे? सर जी, भान साहब नमस्कार। ये जो घटना घटी है, जो कोलकाता में जो पिछले कुछ दिन पहले जो घटना घटी, जो हीनियस क्राइम हुआ था लेडी डॉक्टर के अगेंस्ट में, जो रेप एंड ब्रूटल रेप एंड मर्डर का जो सामने आया हुआ था, और जिसके बाद जो पूरे नेशन वाइड में सारे हमारे जो डॉक्टर्स हो गए, चाहे पैरामेडिक्स हैं, चाहे लोग भी उतरे हैं स्ट्रीट्स के ऊपर, जो अभी तक चल रहा है, और इट वॉज अ वेरी बार्बरिक क्राइम। इस टाइप का जो हम लोग वी आर द सेवियर्स, अब हमारे प्रति इस टाइप का अगर क्राइम होगा तो उससे दुखद घटना क्या हो सकती है? तो सर जिक्र आपने करी दिया और हमने भी किया है, जो ये घटना घटी है बड़ी शर्मनाक घटना, उसके एवज में आपने उसके विरोध में पिछले दिनों आपने हड़ताल भी की है, इस विषय में क्या कहेंगे सर आप? जी भान साहब, ऐसा है, जो हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और जो हमारे स्टेट के जो एसोसिएशंस हैं, उन सब ने मिलके ये जो बार्बरिक घटना घटी थी, हीनियस क्राइम हुआ था जो लेडी डॉक्टर के अगेंस्ट में कोलकाता में, तो उन्होंने सबने हमने नेशन वाइड स्ट्राइक हुआ, जिसके नेशन वाइड स्ट्राइक भी हुआ और हिमाचल में भी हुआ, जिसमें हम सारे डॉक्टर्स ने जो है एमरजेंसी सर्विस उस ड्यूरिंग में देखी है, ओपीडी कुछ दिनों के लिए शट डाउन रहा था। तो ये डॉक्टर साहब कब से कब तक आपका जो शटडाउन रहा है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे आप सब? जी, ये सो कॉल्ड आप देखिए ऑलमोस्ट 17th को होगा, 17th ऑफ अगस्त से 19th और 20th तक था। तो लेकिन आज हम भी चाहेंगे भी आप दर्शकों को जानकारी दें और हमारे माध्यम से दें भी, जो आपकी ओपीडी है चालू हो चुकी है, तो कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को इस विषय में दें आप सर। जी, ऐसा है, अभी जो सुचारू रूप से हम ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज बोथ दे रहे हैं हम हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर, अभी कोई जो भी आना चाहें, क्योंकि अभी आजकल सीजनल बुखार जो फीवर है, स्क्रब टाइफस के भी केसेस हैं, डायरिया के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, टाइफॉइड एंट्रिक फीवर के केसेस आ रहे हैं, इवन स्नेक बाइट के केसेस आ रहे हैं अब बहुत सारे, तो अभी जो है हम जो हमारा जो ओपीडी सर्विसेज वगैरह जो है, जो हम सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट में जो दे रहे हैं ओपीडी सर्विसेज एंड इंक्लूडिंग द इमरजेंसी सर्विसेज, अभी हम सुचारू रूप से चल रहा है। तो सर बट हमारा जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी जारी रहेगा विद ब्लैक बैचेस एंड ऑल। तो सर कुछ थोड़ी सी हमारे दर्शकों को जानकारी अगर आप देना चाहें भी, जो आपके पास इस समय जो ओपीडी की क्या जानकारी है, और बाकी आपने हमें बता ही दिया भी किस किस प्रकार की आजकल जैसे मौसम बदल रहा है भी बीमारियां या स्नेक बाइट की जो घटनाएं घट रही हैं, कोई एहतियातन आप हमारे जो दर्शक हैं सब डिवीजन कंडाघाट के या प्रदेश भर के जो भी हमारे चैनल को देख रहे होंगे, कोई आप उनको सुजेशन देना चाहें सर? देखिए, जो पानी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसके लिए तो आपको अच्छी वेरी वेल नो जो पानी आपने बॉयल करके पीना है, और जो साफ सुथरी जगह का पानी, जो इधर उधर का जो गंदा नाली वगैरह का पानी से कलेक्ट करके वो नहीं करना है आपने, और बाकी जो है बॉयल करके पानी पीना है, रेगुलरली पीना है, और फीवर आने से फीवर की पैरासिटामोल की दवाई लेके आप अपना हॉस्पिटल आइए यहाँ पर, और उसका जो इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड के जो इन्वेस्टिगेशन है वो करवाइए, और बाकी अगर स्नेक बाइट वगैरह के जो केसेस हैं, आप ये है कि हम तो यही गाइड करेंगे कि मतलब यू कम टू द हॉस्पिटल फर्स्ट, उसके बाद जो है हम उसी जो अपने हिसाब से जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए, गाइडलाइंस लीजिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। तो डॉक्टर साहब अंत में, जैसा कि समाचार पत्रों के और हमारे जो चैनल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा तकरीबन पब्लिश होती रहती है खबरें नशे के बारे में, जो हमारा युवा नशे के उसमें जा रहा है, कोई संदेश आप युवा वर्ग को देना चाहें इस विषय में सर? देखिए, अभी जो आजकल जो नशा है वो एक महामारी का रूप लेता जा रहा है, जो सबसे जैसे आप 3 स्टेट्स को आप ले लीजिए, चाहे यह हिमाचल हो और चाहे ये हरियाणा हो चाहे ये पंजाब हो, जो चिट्टे का भी जो चिट्टा जो है जिसको अफीम का एक वो बोलते हैं, और उसका जो वो जो रैकेट्स वगैरह जो भी पकड़ आप हम जो न्यूज में देखते रहते हैं उनके रैकेट्स वगैरह भी चल रहे हैं, हमारे जो यूथ हैं खासकर जो टीनेजर्स हैं और जो यंग 20s में हैं, दे आर इनटू दिस एडिक्शन,
और उसके कारण से जो सोसाइटी में जो क्राइम्स वगैरह भी जो हो रहे हैं तो चिट्टे के कारण हो रहे हैं। 5,000 रुपए का एक दिन का अगर किसी का खर्चा होगा अनएम्प्लॉयड यूथ का, वो क्या करेगा फिर? वो इसी उसमें जाएगा, एंटी सोशल काम में जाएगा, एंटी सोशल काम में जाएगा, चाहे वो चोरी हो चाहे और किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम दे सकता है वो। तो हम तो इसको डिस्करेज करेंगे कि चिट्टा हो गया चाहे एनी फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस का मतलब हो गया चाहे हाई वो जैसे अल्कोहल हो गया एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गांजा चरस भांग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यूथ अगर इससे दूर जाना चाहे तो जैसे कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे अन्य जो भी इसको नशे को छुड़ाने के लिए लगे हैं, तो जैसे युवा वर्ग को बोला जाता है भी स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, योगा की तरफ ध्यान दें, तो इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, इसका जो स्पोर्ट्स और जो आपका रिक्रिएशन और फैमिलीज का और चाहे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं, इनका बहुत बड़ा पिवोटल रोल है, बहुत बहुत अहम रोल है, स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम पीयर्स का मतलब है जो अपने फ्रेंड्स फ्रेंड सर्कल, स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्रिएशन एक्टिविटीज लाइक कोई भी रिक्रिएशन एक्टिविटीज हो, चाहे आपने आउटडोर एक्टिविटीज करनी है, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, रनिंग हो गया, हाइकिंग हो गया और इस टाइप की जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज वगैरह हो गया, एंड इंडोर एक्टिविटीज में लाइक आप एक तो और एक चीज है जो आपका जो इंटरनेट जो आपका जो फोन है मोबाइल दैट उसके वो भी एक एडिक्शन है, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एडिक्शन। इस जो रील्स वगैरह देखते हैं मतलब कंटिन्यूसली बच्चे रील्स देखते हैं तो उनका जो है एंग्जाइटी और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं उसमें। सो मैं तो उनको ये भी बोलूंगा कि आप उसके बजाय यू डू सम रिक्रिएशन एक्टिविटीज लाइक अंदर आप कैरम बोर्ड जैसे हमारे यहाँ पर कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, इवन यू कैन प्ले कार्ड्स ऑल्सो, बट डोंट गो इन टू दिस काइंड ऑफ एडिक्शन। और सबसे बड़ी बात है कि जो अपने पीयर्स हैं अपने पीयर्स को पेरेंट्स को देखना चाहिए ये किसी गलत संगत में तो नहीं है, क्योंकि अब 18 साल या 19 साल का बच्चा होगा उसको अपने बारे में ज्यादा नहीं पता होगा कि आगे क्या उसका फ्यूचर है, उसके जो पेरेंट्स हैं या जो भी उसके रिलेटिव वगैरह है वो उसको कैसा गाइड करते हैं, वो उसी हिसाब से उसका जो आगे का फ्यूचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डॉक्टर साहब जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।